हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मज़े में होंगे, कुशल होंगे। आज एक बार फिर आपको लेके चलता हूँ नया ब्लॉक के साथ, पिटोनी मार्केट। तो जहाँ पे आपको दिखाऊंगा, मैं बस में खुद चढ़ने वाला हूँ। तो आखिर में मैंने अभी बस ले चुका हूँ, या फिर बस में चढ़ चुका हूँ मैं अभी। और ये न्यूजीलैंड का पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट करती है, इधर उधर जाती है। जैसे कि आपको बाहर का व्यू भी काफ़ी अच्छे से दिखने को मिल रहा होगा और काफ़ी पसंद आएगा आपको। मैंने बताया आपको कि ठंड काफ़ी तेज़ थी, सर्दी के मौसम में काफ़ी ठंड थी। और अब पहुंच गया मैं रेलवे स्टेशन, ये सामने जो बस लगी हुई है। और साथों साथ ठंड तो काफ़ी तेज़ी है, और आज भी कुछ ऐसा लग रहा है कि ठंडी है, लेकिन अब इसके साथ साथ थोड़ा वही गरम चाय तो होनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि चलो चाय, गरम गरम चाय भी पी लें, थोड़ा थोड़ा मतलब मज़ा ले लें। चाय का मज़ा कुछ अलग ही होता है, तो गरम चाय होनी ही चाहिए। आपको एक और यूनिक चीज दिखाने के लिए, जो आपने कभी देखी नहीं होगी, न्यूजीलैंड में साइकिल स्टैंड कैसा होता है। मैं भी देखा उसको, तो मैं काफी देर तक इसको देखता रहा और काफी अच्छा लगा कि इस तरह से साइकिल स्टैंड, जब कोई साइकिल स्टैंड होता है, साइकिल कुछ इस तरह से लगाई जाती है यहाँ पर। तो ये न्यूजीलैंड का साइकिल स्टैंड है, कुछ इस तरह से, काफी अच्छा लगा देखकर। तो इंडिया में तो आपने डिफरेंट वैरायटी के साइकिल स्टैंड देखे होंगे। मेरा पहली बार पिटोनी से टाइटा जाने का सफ़र है, और थोड़ा सा अनजान भी हूँ यहाँ पर, और पहुँचना भी है जगह पे, क्योंकि टाइम भी हो चुका है। काफ़ी दिन मैंने काफ़ी टाइम तक मैं सिटी में घूमा, और सिटी के बाद मेरे को वापस घर जाना है। और ये ट्रेन है, उतरी है अभी, फाइनली टाटा स्टेशन आ चुका है। चलो दोस्तों, अभी घर पहुंचने वाला हूं, और अगर वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट्स जरूर। टाटा स्टेशन से मैं उतरा तो मेरे को ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाई दी, जो दीवारों में, मतलब ये अंडरग्राउंड है, अंडरग्राउंड में बाहर निकलने का रास्ता है, तो उसमें काफ़ी पेंट कर रखा है, कुछ पेंटिंग कर रखी है। और ये सीधा, मतलब काफ़ी अच्छा लगा देख के, मतलब कुछ ये सामने दरवाजा दिख रहा है आपको, तो ये सामने ये अंडरग्राउंड है, इसके ऊपर पूरी रोड है, रोड बनी है, और ये सीढ़ी यहाँ है इसकी, तो सीढ़ी से निकल के और सीधा बाहर निकलता है रास्ता इसका। तो देखते हैं